अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट, मैं हूँ महनूर और ये और हैं मैं मेरे हूँ मामा। रुबीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड? तो जी फ्रेंड, आज आपको न्यू टिप में अपने चैनल में नबीला हैक्स एंड टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। अब जो आपके लिए आज जो हमारी वीडियो है, टिप है, वो है मटर के छिलकों से। ठीक है, वही आज बनाएंगे हम ऑर्गेनाइजर जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजर बनाएंगे स्प्रे जी सर, स्प्रे बनाएंगे ऑर्गेनाइजर। ठीक जो है, पौधों को खराब वगैरह होते हैं, पौधे उनको सही करेगा, उनकी ग्रोथ करेगा। जो घास सड़ जाते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए हम बनाएंगे फ्रेंड। आज ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो आपने हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को भी और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि आने वाली न्यू वीडियो टिप हैक्स आप तक आसानी पहुंच सके। तो अब हम अपनी टिप जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। फिर अब हम आ चुके हैं अपनी टिप की तरफ। तो ये देखें ये देखिए, मटर हमने के, मटर के निकाल लिए, तो वो हमने सालन बना लिया। और इसके देखिए छिलके भी बहुत काम के, आपने फेंकने नहीं है, बचत करनी, बहुत महंगाई है। ये देखिए, इसके साथ आके पौधे वगैरह इसका ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। और ये देखिए, आप छिलका हमारे पास अंडे का एक ही था, तो इसको मैंने वाश कर लिया, मटर को भी वाश कर लिया, धो लिया इनके छिलकों को। और इसको ये देखिए अच्छी तरह इसको इस तरह कर लेंगे। ये देखिए, पूरा ये पूरा इसका कर लेना है। हाँ ये देखिए, और इसके इतना अच्छा ऑर्गेनाइजर तैयार होगा पौधों को, उसके नशा नमा खाद के होगी तौर पे खाद के तौर पे। ये देखिए, और इसमें ये नमक भी जाएगा। तो जी फिर नेक्स्ट जो हम नमक, इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, हमने नमक डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे पत्ती जो कि चाय पत्ती है। ठीक ये है, भी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है डिस्प्रीन। दो डिस्प्रीन आपने ऐड करनी है। ये हम जो बना रहे हैं मटर के छिलकों से, आज आपको बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बताएंगे, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है किसी को भी के क्या नाम है, किस तरह से जो मटर काम आते हैं, तो छिलके भी उसके बहुत ही छिलके भी फ़ायदेमंद आपने होते हैं। फेंकने नहीं, आप देखिए इतना फायदा है। ये देखिए, हर चीज़ का फायदा है। ये देखिए, आपका घर का बचत की बचत होगी, और आपके पौधे भी, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। आप दुआएं देंगे। अब हम चलते हैं किचन में। अब हम आ गए हैं किचन में। ये देखें, आपने पूरा जो मटेरियल हमने आपको दिखाया है, जो जो डाला है इसके अंदर, वो हमने अब रख दिया है चूल्हे के ऊपर। ठीक है, इसमें डाले हैं पत्ती, और चीन, एक वो अंडे का नमक, छिलका, नमक और पत्ती, मटर के छिलके, और 1 किलो पानी डालना आपने। आपने डाल देना है 1 किलो पानी। ये बहुत ही अमेजिंग जो है आज की पौधे टिप आपके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, और साथ ही दो साथ। डाली डिस्प्ले तो डाली दो, हाँ जी, दो डिस्प्ले में डाली है। आपको पता है इंग्रेडिएंट्स, डिस्प्ले भी अगर नहीं आपको पता, पता बहुत चलेगा तो मैं फायदा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, कितने कितने ऐड करने हैं, वो भी डाल दूंगी। 1 किलो पानी डाल देना है इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब और इसका हम स्प्रे बनाएंगे ऑर्गेनाइजर। तो जी फिर अच्छी तरह से हमने ढाम के रखा हुआ था ऑर्गेनाइजर। ठीक है, हमारी ना जो थोड़ी सी गैस तो ना थोड़ी ही आ रही है, तो अब जो है इसको 3 से 4 उबाले हमने दिए हैं। तो अच्छी तरह से इसको आपने भी बॉयल करना है। ये देखिए, पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया है फ्रेंड। ये देखिए अच्छी तरह इसके साथ ना, इसमें इसका असर आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हमने रख के ना 3-4 मिनट और इसको हम ठंडा करके, तो फिर स्प्रे करते हैं पौधों में। आपको दिखाते हैं कैसे करना है। अब जो है हम अच्छी तरह से छान रहे हैं इसको। ये देखिए, इसका पानी जो है रख निकाल लेना आपने, जो कि खाद के तौर पे बहुत ही इस्तेमाल होता है, पौधों की खाद के तौर पे, स्प्रे के तौर पे। ठीक है, बहुत ही अच्छी इससे पौधों की नशोनुमा होगी। अब हम डालने लगे हैं इसको डब्बे के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त स्प्रे अवेलेबल नहीं है, जो शावर टाइप होता है बोतल, तो अब हम डालते हैं इसको बोतल में भी डाल सकते हैं, डब्बे में भी डाल सकते हैं। अब हम इसको डालते हैं डब्बे में और अपने पौधों को जो है देख दिखाते हैं आपको कितनी आपने इसको स्प्रे देनी है। ठीक है, तो जी फिर अब हमने डाल लिया है इसको डब्बे के अंदर। तो ये हमारे पास जो नहाने वाला डब्बा है, ये न्यू था, अभी हमें इसको यूज़ नहीं किया। तो इसमें हमने डाल लिया ऑर्गेनाइज़र अपना, जो कि पौधों को देना है। अब हम डालते हैं, थोड़ा ठंडा होता है तो फिर चलते हैं बाहर, जो है पौधों को देख के दिखाते हैं कि किस तरह से आपने पौधों को देना है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी नशोनुमा होगी पौधों की, जो
बहुत ही अच्छी नस्ल है। तो और आप अब हम आ चुके हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कि ये देखिए हमारे जो पौधे हैं वो गल सड़ गए थे, तो हमें बहुत ही हमने जो है इस पे अब यूज़ करनी है जो हमने रेमेडी टिप बनाई है। ये देखें इसके अंदर से हम अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं, फिर इसके अंदर ऐड करते हैं पानी। पानी किस तरह स्प्रे करना हाँ है? जी चले मामा डालें, अभी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी पहले सफाई करनी है आपने अच्छी तरह गमलों की अपने, तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो डालना है। ठीक है, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस वजह से हम जल्दी जल्दी कर देते हैं सफाई इसकी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इन गले सड़े पौधों को की नशोनुमा बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। अब हम इसके अंदर डालने लगे, ये देखें आपके सामने ही गल सड़ गए हैं, अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं। ये देखें मम्मा डालने लगी हैं, चलें ज़रा, ये देखिए और इससे बहुत ही अच्छी नशोनुमा होगी पौधों जो की। पौधे वो दरख्त वगैरह होते हैं जिनको फल नहीं लगता उनको भी डाल सकते हैं, जी क्योंकि और आपको आप दुआ पता है में कि हमें याद इंसान को रखेंगे जैसे पौधों हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो को भी। नशोनुमा की पौधों की बहुत ही ज़रूरत है हर चीज़ की, खाद की। अब ये हमारे पास एलोवेरा जेल थी, ये देखें ज़रा इसके मुरझा चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसकी भी सफाई कर लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे ऑर्गेनाइज़र जो कि हमने बनाया है अभी, मटर के छिलकों का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना है। आपको पता है कि मटर जो है वो इस्तेमाल और होते अंडे हैं। का छिलका भी डाला हमने, अभी एक ही डाला है हाँ जी, और अब हम पत्ती। इसके अंदर डालेंगे फिर से, और ये देखें ये देखें ज़रा इसकी नशोनुमा बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। थोड़ा ऐसे आपने भी अपने जो है पौधों के देनी है, ठीक है, और बहुत ही आपको इंस्टेंट और रिजल्ट हमारा मिलेंगे, ये आप भी हमें दुआएं देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आज का, ये देखें ज़रा ये भी है, अब इसके अंदर भी डालते हैं। यहाँ पे हमारे काफ़ी पौधे हैं, बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है और रात का टाइम है तो इस वजह से ना प्रॉपर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे पौधे जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, थोड़े से यहाँ से ख़राब हुए हैं लेकिन ये दो दो तीन थे ना वही इनको थे। हम डालेंगे और ये भी देखें अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं ऑर्गेनाइज़र, जो आपके पौधे गल सड़ गए हैं उनके ऊपर आपने डालना है। इसकी भी सफाई कर और रही हैं अच्छी जिनकी तरह से ग्रोथ नहीं मामा होती है उनमें डालना। जी। अब हम इसमें भी डालेंगे, ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर ये डालेंगे ऊपर से आपने डालना है, जो ऊपर की तरफ से गल गए हैं ऊपर की तरफ से आपने डालना है, तो बहुत ही इसकी अच्छी नशोनुमा होगी। क्योंकि पता है आपको कि इसमें ऐड की है पत्ती, नमक, डिस्प्रीन अंडे का और छिलका। अंडे का छिलका और मटर, ठीक है, मटर के छिलके। वाह भाई वाह, देखे कितना सुहाना, ये देखिए इतनी प्यारी खुशबू है, कितने प्यारे लग रहे ग्रीन वाले ये। और तो अब यह ये जो जो से ये गल सड़ गया ना, ये आप सुबह काटेंगे, अब हम दे रहे हैं जी, ये देखिए ठीक है। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जो हमारी आज की टिप है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप्स हैक्स में, हैक्स के साथ, तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नबीला हैक्स एंड टिप्स को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।